नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आप लोगों से आज टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित संस्कृत व्याकरण में हम प्रत्यय की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रत्यय नहीं जानते हैं तो शब्दों का अर्थ निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे तो प्रत्यय को जानिए और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यह आपके सी टेट, सुपर टेट और टेट तीनों में काम में आएगा। तो हम चर्चा करते हैं आपसे प्रत्यय से, ठीक है। और निश्चित रूप से इसमें से एक दो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, चाहे वह सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, तीनों परीक्षाओं में एक प्रश्न प्रत्यय से निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय देखते हैं, प्रत्यय क्या है। तो इसका सूत्र है प्रतीयते विधेयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधेयते इति प्रत्ययः, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जिसका किसी शब्द या धातु के अंत में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जिसका किसी शब्द या धातु के अंत में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। विधीयते माने विधान किया जाता है, जिस प्रत्यय का किसी धातु या शब्द के अंत में विधान किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के अंत में किया जाता है, धातु के अंत में किया जाता है, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के अंत में किया जाता है उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कौन सा प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम धातुओं के अंत में करते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम धातु है, यह कौन सी धातु है, गम धातु है। गम धातु में अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है गतः, क्या बनता है, गतः। अक्त प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वह भूतकाल में किया जाता है, भूतकाल अर्थात लंग लकार का द्योतक होता है। भूतकाल जो होता है वह लंग लकार, लंग लकार भूतकाल के अर्थ में अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यह धातु है, धातु के अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया उसको हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो गम धातु में अक्त प्रत्यय लगाने से गतः, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के अंत में जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन शब्द है, धन क्या है,
शब्द है, ठीक। इसमें हम मतुप प्रत्यय लगाएंगे, तो जब मतुप प्रत्यय लगाते हैं तो मतुप में वत शेष बचता है, ठीक है, वत मतुप में वत शेष बचता है, तो इसको जोड़ देंगे तो यह बन जाता है धनवत। क्या बन गया? धनवत, धनवत, ठीक है। और इसका रूप जो होता है भागवत की तरह चलता है तो बन जाता है धनवान, धनवान बनता है भगवत। भगवत का जिस प्रकार से रूप पढ़ते हैं ना, भगवत का रूप भगवत, भगवत, ठीक है ना। भग धा, भग शब्द है और मतु प्रत्यय लगा है तो इसमें भगवत बना, तो इसका रूप चलाएंगे तो बन चलता है भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः। उसी प्रकार से धन शब्द में मतु प्रत्यय लगाने से धनवत बनता है और इसका रूप चलाएंगे तो बनता है धनवान, धनवंतौ, धनवंतः, धनवंतम, धनवंतौ, धनवतः, ठीक। तो इसकी चर्चा हम विस्तार रूप से आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपसे बता रहे हैं कि शब्दों के अंत में जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और धातु के अंत में जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो कृदंत और तद्धित में अंतर क्या है? कृदंत जो धातुओं में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तद्धित जो शब्दों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृदंत और तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो भी प्रत्यय आ रहे हैं मैं उनकी चर्चा आपसे क्रमवत कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला प्रत्यय है सत्री तथा सानच प्रत्यय, सत्री तथा सानच प्रत्यय। सत्री पहला कृदंत प्रकरण में, कृदंत प्रत्यय में हम आपसे कृदंत प्रत्यय में मैं आपसे सत्री तथा सानच, यह पहला प्रत्यय है मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। इसका सूत्र है लटह सत्रिसानचौ, लटह सत्रिसानचौ। इसका सूत्र है लटह सत्रिसानचौ, लटह सत्रिसानचौ, सत्रि तथा सानच प्रत्यय। इसका सूत्र है लटह सत्रिसानचौ, लटह सत्रिसानचौ, लटह। अब देखिए लटह माने होता है लट लकार, लटह माने लट लकार, लट लकार को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। तो लट लकार वर्तमान काल में किन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं? तो लट लकार वर्तमान काल में सत्री तथा सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न तो आपसे यही बनता है कि सत्री तथा सानच प्रत्यय का प्रयोग किस लकार में किया जाता है? तो लट लकार में किया जाता है। दूसरा प्रश्न, सत्री तथा सानच प्रत्यय का प्रयोग किस काल में किया जाता है? तो वर्तमान काल में किया जाता है। तीसरा प्रश्न, लट लकार के अर्थ में किन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं? तो सत्री तथा सानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न, वर्तमान काल के अर्थ में किन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं? तो सत्री तथा सानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। चार प्रश्न, ठीक, तो सत्री तथा सानच प्रत्यय का प्रयोग लट लकार के अर्थ में तथा वर्तमान काल में हम करते हैं। अब मैं आपसे पहला प्रत्यय सत्री प्रत्यय की चर्चा कर रहा हूं। सत्री तथा सानच प्रत्ययों में हम आपसे सत्री प्रत्यय की चर्चा करते हैं। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय में, सत्री प्रत्यय में अत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है, ठीक।
इसका बनाने का जुगाड़ क्या है? देखिए मित्र, मैं बहुत सरल जुगाड़ बता रहा हूं, एकदम ट्रिक कि आप तुरंत पकड़ लेंगे। दुनिया की चाहे जो भी धातु रूप हो, आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि हाँ यहां पर सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। एकदम सटीक आपको तरीका बता रहा हूं, जो नहीं जान रहा है वह भी जान जाएगा। कैसे? देखिए, सत्र प्रत्यय बनाने का नियम क्या होता है कि देखिए, चाहे जो भी धातु हो, जैसे देखिए पठ धातु है, पठ धातु में जब सत्र प्रत्यय का रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है और नपुंसक लिंग में क्या बनता है, इसका तरीका देखिए कैसे बनेगा। पठ धातु कोई भी धातु हो, पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, कोई भी धातु हो, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि सत्र तथा सानच प्रत्यय का प्रयोग हम लट लकार में करते हैं, तो लट लकार प्रथम पुरुष तथा बहुवचन में जो रूप बने वही लिखिए। जैसे देखिए पठ धातु है ना, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा, तो आप जानते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन। अब देखिए पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का रूप पढ़िए, एक वचन में क्या बनता है, पठति, पठतः, पठन्ति, यही बन रहा है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बन रहा है, पठन्ति बन रहा है। क्या बना, पठति, पठतः, पठन्ति, तो बहुवचन में क्या रूप बना, पठन्ति, ठीक है ना। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा, पठति, पठतः, पठन्ति। हमने आपको नियम क्या बताया, यह बनाने का नियम है, कैसे इसको बनाएंगे यही इसका ट्रिक है, ठीक है ना। इसका यही ट्रिक है कि दुनिया की चाहे जो भी धातु हो, लेकिन लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो बने वही आप लिखिए। देखिए बना पठन्ति, क्या बना, पठन्ति, बन गया। अब क्या काम करना है कि त और ई, देखिए इसमें पठन्ति यही लिखा है ना, तो त हटाइए और ई हटाइए, इन दोनों को हटा दीजिए, अर्थात ई हट गया और त हट गया, तो क्या बचा, पठ न, यही बचा न, क्या बचा, पठ न, यह पुलिंग का रूप हो गया। अब स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना है कि जो पठंति में छोटी ई लगा हुआ है इसको बड़ी ई कर दीजिए, छोटी है ना तो इसको आप बड़ी कर दीजिए, पठन्ति, यह स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। अब नपुंसक लिंग में बनाने के लिए न और ई हटा दीजिए, क्या हटाएंगे, न और ई, तो क्या बचा, पठत, क्या बचा, पठत, ठीक ना, बचा यहां पर पठत। देख रहे हैं ना आप, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप बन रहा है वही मैंने यहां पर लिखा, यह ट्रिक है, इसका ट्रिक है बनाने का, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप देखिए कैसे बन रहा है, आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। पठन्ति लिखा है, पुलिंग में बनाने के लिए ती हटाइए, पठन हुआ, स्त्रीलिंग में बनाने के लिए छोटी लगा हुआ है बड़ी कर दीजिए, नपुंसक लिंग में बनाने के लिए न और ई, न और ई हटा दीजिए, तब बचा पठत हो गया, तो पठन, पठन्ति, पठत। इसी प्रकार से और देखिए, अब जैसे गम धातु बनाना है, गम धातु में सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पहला नंबर तुरंत दिमाग में आना चाहिए, गम धातु में सत्र प्रत्यय लगाना है तो तुरंत
बहुवचन, पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का तुरंत रूप लिखिए। गम धातु का रूप चलता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो बहुवचन में गच्छन्ति बनता है, ती हटाइए बन गया गच्छन, क्या बना गच्छन। स्त्रीलिंग में छोटी छोटी है इसको बड़ी कर दीजिए गच्छन्ति। नपुंसक लिंग में न और ई हटा दीजिए बचा गच्छत, तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत, गच्छन गच्छन्ति गच्छत। इसी प्रकार से भूधात, भूधात में सत्र प्रत्यय लगाइए, तो पहला नाम बहुवचन क्या होगा भूधातु का, तो भवति भवतः भवन्ति, क्या बना भवन्ति। अब ती हटाइए तो क्या बचा भवन, भवन बचा, तो यह पुलिंग हो गया। स्त्रीलिंग में छोटी ई को बड़ी ई कर दीजिए भवन्ति हो गया। स्त्रीलिंग में न और ई हटा दीजिए त बचेगा भवत हो गया। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मित्र अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा तो लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हो सके आप शेयर करिएगा लाइक करिएगा, और जो भी आपका कमेंट होगा मेरी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात, न वाला पुलिंग त वाला नपुंसक लिंग, न वाला पुलिंग त वाला नपुंसक लिंग, अब बड़ी ई लग गया तो स्त्रीलिंग, न वाला पुलिंग त वाला नपुंसक लिंग और बड़ी ई वाला स्त्रीलिंग। परीक्षा में आप लोग करते क्या हैं, अगर पूछ लिया कि पठ धातु में सत्र प्रत्यय का प्रयोग करने पर बनता है, ऑप्शन दे दिया पठन पठन, पठ धातु सत्र प्रत्यय, पठ धातु सत्र प्रत्यय का पुलिंग में रूप होगा, पठ धातु सत्र प्रत्यय पुलिंग में रूप होगा, दे दिया पठन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दे दिया पठत, ऑप्शन सी में दे दिया पठंती, ठीक, और ऑप्शन डी में दे दिया सभी, ठीक। तो हमारे अधिकतर मित्र क्या करते हैं कि उनके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि यार सत्र प्रत्यय में तो अत शेष बचता है, जब अत बच गया तो दिमाग क्या लगाते हैं, मैं दिमाग बता रहा हूं आपकी जो लगाते हैं परीक्षा में, पठ धातु लिखा और आपके दिमाग में आया यार सत्र में तो अत शेष बचता है, तो आपने तुरंत यहां पर अत जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो बन गया क्या पठत। अब प्रश्न कर रहा है कि पठ धातु सत्र प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुलिंग में क्या बनता है, और रूप आ रहा है नपुंसक लिंग का, अब प्रश्न पूछ रहा है पुलिंग में, तो तुरंत यहां पुलिंग तब दिमाग में नहीं आप लगाएंगे, वहां भूल जाएंगे क्योंकि आपका वहां टावर ही नहीं काम करता है, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर, इतना प्रेशर आप ले आज लेते हैं कि भूल जाते हैं, तो तुरंत यहां से आप सेटिंग करने लगते हैं और यहीं गड़बड़ा जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है पुलिंग, उत्तर निकालना है नपुंसक लिंग, तो गलत हो जाएगा ना। तो तरीका यही है बनाने का, सबसे सरल नियम और सबसे अच्छा ट्रिक कि सीधी सी बात, बहुवचन में जो बने ती हटाइए, न बचा न पुलिंग, त वाला नपुंसक लिंग, तो न वाला पुलिंग त वाला नपुंसक लिंग, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, क्योंकि यह पुलिंग पूछ रहा है तो पुलिंग में यह होगा, नपुंसक लिंग में यह है, स्त्रीलिंग में यह है, सभी तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब देखिए दृश धातु में सत्र प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, तो दृश धातु का रूप चलता है पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, क्या चलता है पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति चलता है, क्या चलता है पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। अब ती हटाइए, ती हटाएंगे तो पुलिंग में क्या बनेगा पश्यन, नपुंसक स्त्रीलिंग में क्या बनेगा छोटी ई को बड़ी कर दीजिए, नपुंसक लिंग में न और ई हटा दीजिए पश्यत, क्या हो गया पश्यत, ठीक है। उसी प्रकार से पा धातु, पा पा धातु में सत्र प्रत्यय का प्रयोग करेंगे क्या बनेगा, क्योंकि पिबति पिबतः पिबन्ति रूप चलता है, पिबति पिबतः पिबन्ति, पा धातु का रूप चलेगा पिबति पिबतः पिबन्ति,
तो अब पुल्लिंग में क्या बनाएंगे, न वाला पिबन, क्या बना पिबन। स्त्रीलिंग में बड़ी कर दीजिए, छोटी लगा है ना तो बड़ी कर दीजिए। नपुंसक लिंग में ना और ई हटा दीजिए, त बचेगा, हो गया पिबत, हो गया आपका रूप बन गया। तो दुनिया का चाहे जितना भी धातु रूप हो, जो भी धातु रूप हो, आप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखिए, पुल्लिंग में बनाने के लिए न वाला, नपुंसक लिंग में बनाने के लिए त, और स्त्रीलिंग में बनाने के लिए छोटी को बड़ी कर दीजिए। ठीक, मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह से आप और अधिक से अधिक आप बना सकते हैं। अब मैं आपसे सानच प्रत्यय की चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, सानच प्रत्यय, अब आइए देखते हैं। दूसरा नंबर है इसी में सानच प्रत्यय, सानच। सानच में आन तथा मान शेष बचता है, आन तथा मान शेष बचता है। सानच प्रत्यय में क्या शेष बचता है, आन तथा मान शेष बचता है। अब देखिए सानच प्रत्यय का नियम क्या है। सानच प्रत्यय जो होता है लट लकार प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल तथा आत्मनि, आत्मनि पदीय धातुओं के साथ, आत्मने पदीय धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। सानच प्रत्यय, जो सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल तथा आत्मनेपदीय धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए परस्मय पदी और आत्मनेपदी क्या है, परस्मय पदीय और आत्मनेपदीय, क्योंकि इन चीजों से हमारे मित्र लोग, कई लोग परेशान रहते हैं कि आत्मनेपदी और परस्मय पदी क्या है, इन चीजों से बड़ा परेशान रहते हैं। ठीक है ना, देखिए परस्मय पदी क्या होता है, पर माने दूसरा, आत्मन माने अपना, पर माने दूसरा, पर माने दूसरा, आत्मन माने अपना। जब हम दूसरे के लिए जो धातु प्रयोग करते हैं उसे हम परस्मय पदी कहते हैं, जिन धातुओं का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं उन्हें हम आत्मने पदी कहते हैं। ठीक है ना, परस्मय पदी का रूप चलता है पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, भवति भवतः भवन्ति, इस प्रकार से। और आत्मनेपदी का रूप चलता है पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, गम्यते गम्येते गम्यन्ते, लभते लभेते लभन्ते, ठीक न, लभते लभते लभेते लभन्ते, सेते सयाते सेरते। देखिए अगर यते यते आ रहा है, यते यते, अंत में तेते दिखाई दे रहा है, तेते दिखाई दे रहा है, तो यह आत्मनेपदी है। और अगर तीति दिखाई दे रहा है अंत में, किसी धातु के अंत में तीति आ रहा है, तीति, तो वह परस्मय पदी है। अंत में अगर तीति दिखाई दे रहा है तो यह परस्मय पदी है, और तेते दिखाई दे रहा है तो यह आत्मने पदी है। दोनों में अंतर यही है कि अगर तीति दिखाई दे रहा है तो परस्मय पदी, और तेते दिखाई दे रहा है तो आत्मने पदी। तो अब हम सानच प्रत्यय बनाने का जुगाड़ बताते हैं, इसको कैसे बनाया जाए, इसका भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही सरल। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक यह है कि लट लकार
प्रथम पुरुष लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो बने वही आप लिखिए और आत्मनेपदी क्या आत्मनेपदीय ठीक है ना। आत्मनेपदी की जो धातु है लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो बन रहा है वही लिखिए। जैसे आत्मनेपदी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में जैसे पठ धातु है पठ धातु है इसका रूप बनाएंगे बनता है पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते एक वचन द्विवचन बहुवचन और यह प्रथम पुरुष का रूप है। तो आत्मनेपदी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बने वही लिखिए और उसके बाद आप मान लगा दीजिए ठीक है ना और वह रूप बन जाएगा। जैसे देखिए इसका यह ट्रिक है, इसका ट्रिक यह है कि दुनिया की चाहे जो भी धातु हो लेकिन लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो बन रहा है वही आप लिखिए। जैसे मान लीजिए पठ्यते है मन यह पठ धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग करने के दिखा रहे हैं आपको, पठ धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, तो पठ धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना पठ्यते, क्या करना है ते हटाना है, क्या हटाना है ते हटाना है, तो क्या बना क्या बचा पठ्य बचा ते हट गया। अब आगे मान लगा दीजिए क्या बन गया, मान लगा दीजिए पठ्यमान हो गया, पठ्यमान हो गया। अब पुलिंग में विसर्ग लगा दीजिए, पुलिंग में राम की तरह, पुलिंग में इससे बने हुए जो रूप होते हैं पुलिंग में राम की तरह ठीक, और स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह, फल की तरह होते हैं ठीक है ना, पुलिंग में फल की तरह, पुलिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह, इससे बने हुए रूप चलेंगे। तो पुलिंग में राम का रूप कैसे चलता है, रामः रामः चलता है, रामः रामौ रामाः, तो पुलिंग में क्या बना पठ्यमानः। स्त्रीलिंग में चलता है रमा रमे रमाः, क्या बन जाएगा पठ्यमाना। नपुंसक लिंग में फलम फले फलान चलता है तो बन जाएगा पठ्यमानम ठीक। अब देखिए यह पुलिंग का रूप हो गया और यह स्त्रीलिंग का रूप हो गया और यह नपुंसक लिंग का रूप हो गया ठीक। पठ धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुलिंग में पठ्यमानः, स्त्रीलिंग में पठ्यमाना, नपुंसक लिंग में पठ्यमानम। इसका बनाने का नियम क्या है, हमने आपसे बताया कि लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में जो बनता हो वही आप लिखिए। तो पठ धातु में लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में पठ्यते बनता है, तो ते हटाइए, ते हटाइए मान लगाइए, ते हटाइए मान लगाइए, ते हटाया मान लगाया। पुलिंग में राम की तरह पठ्यमाना, स्त्रीलिंग में रमा की तरह पठ्यमाना, नपुंसक लिंग में नपुंसक की तरह फल की तरह नपुंसक लिंग में पठ्यमानम, तो मानह माना मानम, मानह माना मानम ठीक है। जहां मान है वहीं आपकी शान है, जहां मान है वहीं सानच है, अर्थात किसी धातु के अंत में मानह दिखाई देता है, मानह माना मानम दिखाई देता है, वहीं आपकी शान अर्थात वहीं आपका सानच प्रत्यय है। बस यही एक मेरा कहा मान लीजिए ठीक है, जहां मान है वहीं आपकी शान है, यही आपका सानच प्रत्यय है। अब बनाने का नियम यही है कि लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में जो रूप बन रहा है ते हटाइए, ते हटाया पठ्य
मान लगाया, क्या लगाया, क्योंकि सानच में आन और मान शेष बचता है, मान बचा तो जोड़ दिए तो बन गया पठ्यमान, और पुलिंग में रूप चल गया पठ्यमाना पठ्यमाना पठ्यमानम। इसी प्रकार से जो भी आपको बनाना है, जैसे बनाना है आपको मान लीजिए गम धातु, गम धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है गम्यते, क्या बचता बनता है गम्यते, ते हटाइए मान लगाइए, ते हटाइए मान लगाइए तो गम्य, ते हटाएंगे तो गम्य बचेगा, अब मान लगा दीजिए और पुलिंग में राम की तरह गम्य माना, स्त्रीलिंग में गम्य माना, ठीक, नपुंसक लिंग में गम्य मानम, क्या बना गम्य मानम, गम्य माना गम्य माना गम्य मानम, ठीक है। अब दृश धातु में, दृश धातु में सानच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो दृश धातु का आत्मनेपदिम रूप चलता है दृश्यते, क्या चलता है दृश्यते, ते हटाइए मान लगाइए, ते हटाइए मान लगाइए तो क्या बना दृश्यमान, पुलिंग में राम की तरह दृश्यमान, स्त्रीलिंग में रमा की तरह दृश्यमाना, नपुंसक लिंग में फल की तरह दृश्यमानम, ठीक। अब सी धातु, सी धातु में सानच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, सी धातु का रूप चलता है, ठीक है ना, सी धातु का रूप चलता है सेते सयाते सेरते, सेते चलता है, ते हटाइए, सी एक ऐसी धातु है कि इसमें मान नहीं लगता, इसमें केवल आन लगता है, सी एक ऐसी धातु, सी माने होता है सोना शयन करना, ठीक है ना, सी एक ऐसी धातु है कि इसमें मान नहीं आन लगता है, तो बचा यहां पर सेते, सेते है, ते हटाइए से बचा, फिर यहां जोड़ेंगे तो क्या बचेगा आन, आन लगाया क्या बना आन, ठीक है। अब देखिए यह जो है स है, स में एह निकालेंगे तो बनेगा यहां पर आन, इतना बचा, फिर यहां पर अयाद संधि काम कर रही है, अयाद संधि का सूत्र है एचो यवाया वह, अयाद संधि काम कर रही है कि नहीं, ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा आय हो गया, यह हो गया स धन आय धन आन, ठीक है ना, अयाद संधि, अयाद संधि का सूत्र है एचो यवाया वह, एचो यवाया वह, ए बचवा यहां आव, एचो यवाया वह, तो ए है ए के बाद कोई स्वर हो तो एक स्थान पर आए तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स में अ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा स, या में आ जुड़ जाएगा बन जाएगा या, फिर न हलंत लगा दिया बन गया सयान, सयान बना। अब पुलिंग में बनाने के लिए हलंत हटा देंगे तो बन जाएगा सयानह, क्या बनेगा सयानह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह बन जाएगा सयाना, क्या बना सयाना, नपुंसक लिंग में फल की तरह बन जाएगा सयानम, क्या बन गया सयानम, सयानह सयाना सयानम, यह बनता है आन, ठीक है। तो सत्र प्रत्यय बनाने का नियम मैंने आपको बताया, सानच प्रत्यय बनाने का मैंने आपको नियम बनाया बताया, इस प्रकार से आप इस वीडियो को देख करके एक बार नहीं बार बार क्या कहते हैं थोड़ा सा एक बार दो बार तीन बार देख करके आप भली प्रकार से आप बना सकते हैं, दुनिया की चाहे जो भी धातु हो, चाहे आप सत्र प्रत्यय लगाइए चाहे सानच लगाइए, सानच लगाते हैं तो आत्मनेपदी का प्रयोग करना होगा, सत्र लगाएंगे तो परस्मय पदी का प्रयोग करना होगा, जितनी धातुएं हैं जितनी धातुएं हैं जितनी धातुएं हैं उन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मित्र मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी अगर मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आई होंगी तो मित्र मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा,
और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।